जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इससे पहले इसका 5 वीडियो अभी तक डाला गया है डिफरेंशिएशन का, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब का जो है डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, क्लास 12th के लिए, क्लास 10th के लिए या क्लास 11th के लिए, तो सभी के लिए जो है मामूली से रकम में, मतलब एक बहुत कम ही रकम में जो है पेड कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर से जाकर आप मास्टर माइंड मैथ्स एप्लीकेशन को लोड करके वहाँ से आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सुनो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो ई के पावर वाला, नहीं, हाँ, ई के पावर वाला। तो गौर कर लीजिएगा कि यदि आपका फंक्शन ई के पावर वाला हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका फंक्शन ई के पावर वाला हो तो आपको क्या करना है कि ई के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ई के पावर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ठीक है। ई के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों। दूसरी बात कि जो ई के पावर में रहता है बटा में उसी को उतारते हैं, जो कि आपको 5 खतरनाक कॉन्सेप्ट जो बताए थे उसमें भी इस बात की जानकारी दे दी है। फिर से एक बार, ई के पावर में जो रहता है बटा में वही उतरता है, ठीक है, और ई के पावर एक्स वाला का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों। किसी को दिक्कत है? नहीं ना, हाँ। बाद बाकी आपको सारी जानकारी मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का, यदि त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है तो उसका कोणांक बटा में आता है, लॉग वाला का कोणांक बटा में आता है, रूट के अंदर रहेगा तो जो रूट में रहेगा, रूट के अंदर रहेगा बटा में उसी को लिखेंगे। ये जानकारी आपको पहले से दे दी गई है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है, मान लीजिए वाई बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर, मान लीजिए वाई बराबर क्या है, ई के पावर में एक्स स्क्वायर, और आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाएगा एक्स के सापेक्ष। या तो कहेगा कि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, या फिर कहेगा कि डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोनों बात सेम है। ई के पावर एक्स यदि यहाँ पर दिया गया है तो आपको कहेगा कि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए, या फिर कहेगा कि डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए एक्स के सापेक्ष इसका आप कलच करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी ई के पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आपको बोले हैं कि जो ई के पावर में रहेगा वही बटा में उतरेगा। यदि ई के पावर में हाथी लिखल है तो हाथी बटा में लिख दीजिएगा, घोड़ा लिखल है तो घोड़े बटा में लिख दीजिएगा, गधा लिखल है तो गधे बटा में लिख दीजिएगा। कहने का मतलब है कि ई के पावर में जो रहेगा बटा में वही उतरेगा। तो बटा में आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। हाँ, आप देखिए होल पावर वाला है तो पावर को छोड़कर जो आधार में है बटा में आएगा, बटा में क्या आएगा, डी एक्स। और आपको बोले हैं कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा रहा है यदि बटा में वो आ जाए तो आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, यानी आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। यहाँ एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो बटा में डी एक्स आ गया बटा में डी एक्स, यानी आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आइए अब ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन आपको बोले हैं ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन आपको ज्यों का त्यों लिख देना है, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। तो ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों। इसके बाद यहाँ देखिए होल पावर वाला है तो क्या करेंगे, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों, पावर में से एक कम कर लेंगे, यानी हो जाएगा इसका 2x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा आपका डिफरेंशिएशन बन चुका है, ठीक है। हाँ, आपका डिफरेंशिएशन आसानी से बन चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा, कुछ ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अभी ई के पावर वाला ही चलेगा आज, इसके बाद कल हम लोग रूट वाला देखेंगे और फिर सबका मिक्स वाला भी देखेंगे, यानी सबको मिलाकर
यदि सभी फंक्शन को एक साथ दे दिया जाए तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा, आइए देखिएगा। मान लीजिए कि y बराबर है e के पावर में साइन x, ठीक है, e के पावर में साइन x। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, गौर करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, देखिएगा कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर d e के पावर में है साइन x। अच्छा, जो e के पावर में है बटा में वही उतरेगा जो कि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि e के पावर में जो रहेगा बटा में वही उतरेगा। e के पावर में क्या है, साइन x, तो बटा में साइन x उतरेगा। इसको फिर ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमको बटा में चाहिए dx ना, अब बटा में आ गया साइन x, इसलिए इसको फिर ऊपर ले जाएंगे। अब यहां है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा बटा में वही उतरेगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो होगा बटा में वही उतरेगा, तो बटा में क्या उतरेगा बाबू, dx। अब बताइए कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आपको बोले हैं कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि बटा में वो आ गया, आपका डिफरेंशिएशन हो गया। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, बटा में dx आ गया, इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब चलिएगा e के पावर वाला का क्या बोले हैं, ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, cos x, आपका डिफरेंशिएशन बन चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन जो है आसानी से बन चुका है, जो आपके सामने है आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, कुछ और टाइप का क्वेश्चन इसमें होगा, बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिएगा, देखिए यहां पर y बराबर e के पावर में है log x स्क्वायर, y बराबर है e के पावर में log x स्क्वायर। अब आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, जो पांच कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है बस वही पांच कॉन्सेप्ट के आधार पर आप डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है, मतलब इतनी सा भी आपको परेशानी नहीं होने वाला है। आइए ना देखते हैं, देखिए जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, dy बटे dx बराबर d e के पावर में है log x स्क्वायर। अब बताइए बटा में क्या आएगा, तो आपको जस्ट बताए हैं कि e के पावर में जो रहेगा, हम क्या बोले हैं कि e के पावर में जो रहेगा बटा में वही आएगा, तो e के पावर में क्या है, log x स्क्वायर है, बटा में यही आएगा d log x स्क्वायर। हाँ, यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो स्क्वायर है सिर्फ कोणांक पर है, लॉग पर नहीं है, माने ये होल पावर अभी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए कि बटा में क्या आएगा, तो यहाँ लॉग वाला है ना, आपको बोले हैं कि लॉग वाला का जो कोणांक होगा बटा में वही आएगा। यदि लॉग वाला फंक्शन है तो लॉग वाले फंक्शन में जो कोणांक होगा बटा में वही आएगा, तो कोणांक क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर, बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, अब पावर छोड़कर उतारेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स, बटा में डी एक्स आ गया, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। चलिए क्या हो जाएगा, ई के पावर वाला का ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बटा में जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों, एक बटा में जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर से गुना करेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों पावर में से एक कम कर लेंगे। देखिएगा यहाँ दो गो एक्स है, यहाँ एक गो एक्स है, तो एगो से वो कट जाएगा। ई के पावर में है लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका टू बटा में एक्स, तो हो जाएगा दो बटा में एक्स। देख लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा कितना आसानी से आप डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिफरेंशिएशन लगेगा ही नहीं कि हम डिफरेंशिएशन बना रहे हैं, इस तरीके से इसको तैयार किया गया है, इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर दिए हैं कि आपको इतना आसान लगेगा डिफरेंशिएशन, आपको लगेगा ही नहीं कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं 12वीं में, ठीक है। हाँ,
चलिए इसको मिटाते हैं, चलेंगे कुछ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ और भी टाइप इसमें होगा, बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहां है आपका y बराबर e के पावर में रूट अंडर x, y बराबर है e के पावर में रूट अंडर x। घबराना नहीं है, किसी भी सवाल को देखकर आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये कैसे बनेगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं, आप किसी भी एग्जाम में आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसका ट्रिक भी है, जब इसके ट्रिक की ज़रूरत होगी तो ट्रिक लेकर हम उपस्थित होंगे आपके सामने में, और तब और भी आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, जब जैसा तब तैसा, घर जाइए तो अपन जैसा, ठीक ना, हाँ समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यह हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर d e के पावर में है रूट एक्स। सुनो बाबू, आपको क्या बोले हैं कि जो e के पावर में रहेगा बटा में वही उतरेगा, नहीं तो e के पावर में है कितना, रूट एक्स, तो हो जाएगा बटा में d रूट अंडर एक्स, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d रूट एक्स बटा में क्या आ जाएगा, तो जो रूट के अंदर रहेगा वही बटा में आएगा, तो बटा में क्या आएगा, एक्स यानी डी एक्स। आपको बोले हैं कि ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ई के पावर वाला का वही डिफरेंशिएशन है, ई के पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया आपका ज्यों का त्यों, और रूट वाला का डिफरेंशिएशन बता दिए, एक बट्टा में दो और ज्यों का त्यों, एक बट्टा में दो ज्यों का त्यों, गुना कर लेंगे, ये ऊपर में है, e के पावर रूट एक्स बटा में हो जाएगा आपका टू इंटू रूट अंडर एक्स, इससे इसको नहीं काट सकते हैं आप, ठीक है। हाँ चलिए देख लीजिएगा, आपका सवाल बन चुका है e के पावर वाला, और भी क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, फटाफट से आप नोट करते रहिए, हर एक प्रकार का, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा भी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो गम किस बात का है, हाँ समझ लीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन तो आप इतना आसानी से बनाइएगा, समझ लीजिए कि मास्टर बन जाएगा डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन है ना, और भी इंटीग्रेशन हो गया या फिर वेक्टर हो गया, 3D हो गया, किसी भी एक्सरसाइज की बात कर लेंगे तो बिल्कुल एकदम अलग तरीके से आपको जो है सीखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ क्योंकि खिचड़ी बना के हम नहीं पढ़ाते, हम एकदम सेपरेट अलग अलग तरीके से आपको लेकर आएंगे और एक बार सबको मिला देंगे, तो अलग अलग वाला सीख ले रहिएगा, तो अलग अलग जहाँ जहाँ बुझाएगा आप वैसे क्रिया कर दीजिएगा, नहीं हाँ चलिए देखिए, y बराबर e के पावर में है tan log e के पावर x, यहां बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, यहां भी बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, घबराइए नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं क्वेश्चन में, तो आप घबरा थोड़े जाइएगा, आपको यदि तरीका मालूम है, आपको यदि हमारा 5 खतरनाक रूल याद है, तो आप किसी भी सवाल को देख के कभी नहीं घबराइएगा, हाँ इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं, कभी आप नहीं घबराइएगा, चाहे आप कितना बड़ा भी सवाल क्यों ना बना रहे हो, ऐसा नहीं कि केवल 12th के लिए कर रहे हैं, आप आगे भी जब बढ़ेंगे तो भी आपके लिए ये 5 कॉन्सेप्ट जो है, जो 5 खतरनाक रूल है, वो आपको हमेशा काम देने वाला है, ठीक है। हाँ क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगा है उसको बनाने में। आइए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आ जाएगा dy बटा dx बराबर d e के पावर में क्या है बाबू, tan log e के पावर x, ठीक है। क्या बोले हैं कि जो e के पावर में रहेगा बट्टा में वही उतरेगा, इसमें नो डाउट, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, e के पावर में जो है वही बट्टा में उतरेगा, e के पावर में तो संशय है, तो संशय के उतारिए, क्या दिक्कत है, tan log e के पावर x, चेक करो। फिर आप देखिए, बटा में हमको चाहिए था dx, क्योंकि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन चल रहा है ना, तो बटा में हमको dx चाहिए, नहीं आया, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आएगा, अभी नहीं आएगा तो कभी आएगा, कभी ना तो कभी तो आए भी करेगा। चलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d
tan log e के पावर x। अब बताइए बटा में क्या उतरेगा। तो ये tan है, तो tan यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा वही बटा में आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में क्या है बाबू, तो log e के पावर x, फिर ऊपर जाएगा d log e के पावर x, एकदम ध्यान दीजिएगा। अब बताइए क्या उतरेगा, तो log के कोणांक में जो रहेगा बटा में वही उतरेगा। देखिए एकदम स्टेप बाय कैसे सेटिंग चल रहा है, हाँ एकदम स्टेप बाय आप आगे बढ़िएगा और स्टेप बाय आपको जो है सब कुछ मिलते जाएगा कि कब क्या उतारना है, कब क्या लिखना है, कब क्या करना है, आपको एकदम आसानी से रास्ता दिखाते जाएगा आगे आगे। तो कितना आ जाएगा आपका d e के पावर x। अच्छा हमको लिखना है इसके बाद ऊपर में गुना में यहाँ लिखना है, लेकिन जगह नहीं है जिसके वजह से हम यहाँ लिख रहे हैं, आप उधर लिखिएगा d e के पावर x बटा में क्या हो जाएगा बाबू dx, क्योंकि e के पावर में जो होगा बटा में वही आएगा, तो e के पावर x है तो बटा में x आ गया। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका e के पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, tan log e के पावर x, कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद है आपका tan, तो tan का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर, बाकी सब ज्यों का त्यों, log e के पावर x। इसके बाद log का हो जाएगा कितना, एक बट्टा में जो कोणांक में रहेगा ज्यों का त्यों, फिर e के पावर x है तो ज्यों का त्यों, e के पावर x से e के पावर x कट जाएगा, बात खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, हाँ देख लीजिए एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग अच्छा से। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यदि आपसे पूछे, कहीं से भी घुमाकर कहीं से भी बदलकर क्वेश्चन को पूछेगा, आप उन सवालों का जवाब एकदम आसानी से दे सकते हैं, एकदम सरलता से दे सकते हैं। ठीक है, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है, और जो पांच कॉन्सेप्ट बताए हैं आप पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन पढ़ लीजिए, वो पांच कॉन्सेप्ट कभी फ्लॉप नहीं करेगा आपको, वही पांच कॉन्सेप्ट के आधार पर आप डिफ्रेंसिएशन के किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और आशा करते हैं कि अब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, चाहे क्वेश्चन किसी तरीके से क्यों ना लिख देगा, कहीं से भी घुमा कर लिखेगा, आप उन सवालों का जवाब निश्चित रूप से दे पाइएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो आप सभी सवालों का जवाब खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि अब सवाल आपसे बन जाएगा आसानी से। ठीक है, और यदि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो फिर हम अगले दिन यानी कल आप लोग के लिए जो है रूट वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लेकर आने वाले हैं। अब वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दिल तब टूटता है जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं और उसके एवज में आप लोग थोड़ा सा जो है अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तो दिल टूट जाता है, हाँ इसलिए ऐसा ना करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत कीमती समय आपका बीत रहा है, तो इस समय को ऐसे ना गवाए, पढ़ाई में गवाए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।